दोस्तों तो अभी हम इसी फोर लेन के ऊपर हैं, चंडीगढ़ मनाली जो फोर लेन है, और मेरे को यहाँ एक अलग सा ढाबा मिला जिसका नाम है माते श्री। हमारे पीछे मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ये देखिए ये फोर लेन है, ये गाड़ियाँ आ रही हैं यानी कि चंडीगढ़ कीरतपुर की तरफ से और मनाली की तरफ जा रही हैं। और ये सामने है एक ढाबा, इसका नाम है माते श्री ढाबा। तो मेरे को थोड़ा उत्सुकता हुई जानने की कि है ऐसा क्या है, ये यहाँ लिखा हुआ है ना माते श्री ढाबा। और अभी मुझे लग रहा है कि थोड़ा अंडर कंस्ट्रक्शन है ये, इस साइड अभी ये बना रहे हैं वैसे, और लुक वाइज जो है रोड से तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, बाहर से इन्होंने अच्छा डेकोरेटेड किया हुआ है। और मिलते हैं यहाँ, सर बैठे हुए हैं। मैं थोड़ा ये देख के आया कि थोड़ा मुझे अलग सा नाम लगा इसका माते श्री, तो मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोग या फैमिली जो आती होंगी घूमने के लिए रुकते होंगे यहाँ देख के, कि मतलब अलग नाम रखा है तो शायद कुछ स्पेशल कुछ दे रहे हैं या स्पेशल कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं या कुछ। मैं वही जानना चाहता हूँ आपसे कि अलग क्या है ऐसा, मतलब इस रोड पे बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, आपका अपना ही है ये? नहीं सर। अच्छा, आप अच्छा अच्छा ये किसी और का है, वैसे आप काम करते हैं तो मतलब मेरे को थोड़ा सा बताओ इसके बारे में कि ये जो नाम अच्छा जो जिनका है वो इधर ही है? मेरे फर्स्ट। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं, बुलाओ फिर हम। मैं ये बता देता हूँ, लंच ब्रेकफास्ट डिनर सब कुछ है और इसका नाम ये है माते श्री। तो ये भाई साहब हैं, आपका नाम क्या है सर? राजेश कुमार। थोड़ा ज़ोर से बोलना, राजेश कुमार। हाँ, आप भी काम ही करते हैं यहाँ? अच्छा अच्छा, तो मतलब थोड़ा मुझे अलग लगा ये नाम माते श्री, जितने भी ढाबे हैं तो इसके पीछे वैसे क्या? माता जी के नाम, माता जी बोलते हैं, माता जी। अलग नाम है तो शायद यहाँ कुछ सुविधा कुछ ज़्यादा अच्छी मिलेगी या कुछ ऐसा है, या जितने भी ढाबे हैं इस हाईवे के ऊपर तो अलग है कुछ इसमें ऐसा, या नॉर्मली है कि हाँ खाना खाओ और जाओ? नहीं, या कम रेट पे है, सस्ता है। अच्छा सस्ता है, मतलब लंच की बात करूँ या ब्रेकफास्ट की बात करूँ डिनर की, तो कितने रुपए? सर ऐसे हमारा जो थाली सिस्टम है 100 रुपए की है। अच्छा, ये जैसे अलग से लेना हो? हाँ हाँ, तो जैसे मटर पनीर हो गया, शाही पनीर हो, उसका अलग रेट है। और मतलब लोगों को थोड़ा क्या फील होता है यहाँ के कि इसीलिए ये नाम रखा हुआ है? ऐसा है तो कि ये थोड़ा कुछ तो अलग होगा, माता जी के नाम पे जिन्होंने पैसा लगाया है तो। अच्छा चलो, ये मैं बता, ये बताओ थोड़ा सा, ये जो है ये अपने इसको बोलते हैं बांस, मतलब है ना, आप यहीं के लोकल हैं? हाँ, बांस बोलते हैं वैसे इसको ना, तो पूरी बांस की बनी हुई है, तो ऊपर क्या टीन डाला हुआ है फिर बारिश के लिए? नहीं, इसमें तरपाल है, फाइबर है। अच्छा, फाइबर भी है और तरपाल भी है, जैसे तूफान ज़्यादा लगेगा तो ये चीज़ें कई बार उखड़ भी जाती हैं या बारिश से पानी अंदर आए? कोई और नहीं इसमें। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है, चलो अंदर से थोड़ा डबल डबल लगा हुआ है अंदर। अच्छा ये, अच्छा ये पन्नी अलग से, ये तरपाल मतलब बारिश के लिए, ये अंदर से भी है बाहर से भी। अच्छा, ये पूरे लगी है, जितना भी है ये सारे लगी है और बाहर से बांस लगाया हुआ है, बीच में फाइबर है। अच्छा, बीच में फाइबर भी अलग से है। अच्छा, फिर तो बारिश का तो इतना लगता नहीं है ना। और ये है अंदर से, और यहाँ ये देखिए कृष्ण की मूर्ति जो है इन्होंने लगाई हुई है, काफ़ी बढ़िया, जय श्री कृष्णा। और ये इनका आ गया यहाँ काउंटर, और ये अंदर से कुछ ऐसा है बैठने के लिए, इन्होंने ये टेबल लगाए हुए हैं, यहाँ फैन लगाए हुए हैं, लाइटें लगाई हुई हैं, और लाइटें जगा दो एक बार, देख लेते हैं वीडियो में कैसी आएंगी ये वाली। अच्छा, ये नॉर्मली है, मुझे लगा कि ये कलर वाली हैं, कि जैसे मतलब कलर होता है ना देखने के लिए और ज़्यादा अच्छा लगता है। चलो, एसी भी इन्होंने लगाया हुआ है, मतलब सुविधा तो ठीक है, नाम बढ़िया अच्छा रखा है, लेकिन नाम के बराबर और नाम के अकॉर्डिंग वैसा काम भी है या नहीं है ये भी पता चलेगा, है ना, तो बढ़िया है वैसे। तो अभी कितना रिस्पांस कितना मिल रहा है, लोग रुकते भी हैं या चले जाते हैं, मतलब या कोई थोड़ा कम है अभी? अभी कम है, स्टार्टिंग ही है हमारी, अभी शुरू ही किया है मतलब। अच्छा अच्छा, हाँ चलो कोई नहीं, ठीक है बढ़िया। अच्छा नहीं, स्टार्टअप तो चलो अच्छा किया आपने, मतलब थोड़ा नाम भी, मैं तो यही कहूँगा कि नाम अलग रखा है तो थोड़ा उसी हिसाब से सर्विस भी थोड़ी अलग दो, ताकि कि नाम तो ऐसा रखा है पर है तो यार ऐसे ही है या नॉर्मली है,
लोग बताते हैं ना आगे से, आगे जाकर बताएंगे कि भाई वहाँ रुको यार वो बढ़िया है। तो ये है, तो दोस्तों ये है ढाबा, जगह कौन सी है ये? कल्लर जगह है ये, यानी कि ऋषिकेश से, सॉरी अपना ओहर से पीछे ही है, ओहर के साथ में लगता है ये, कल्लर जगह है ये ढाबा था दोस्तों। तो यहाँ एक बार विजिट जरूर करें और कमेंट्स करके बता दें कि फीडबैक कैसा है। तो अभी तो हम नहीं खाएंगे, जब बाद में जब कभी खाएंगे तो मैं भी बताऊंगा, लेकिन अगर आप यहाँ कभी रुकते हैं इस नेशनल हाईवे के ऊपर जो चंडीगढ़ मनाली की तरफ जा रहा है, तो रोड में से दूर से दिख जाता है ये मातेश्री ढाबा, लाइटें लुइटें लगाई हुई हैं, दूर से पता लग जाता है। तो फीडबैक ज़रूर दें, खाना कैसा है इनका, सर्विस कैसी है इनकी। तो चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।